जय हो श्री राम भगवान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ जर बिहारी। भरत सहानुज कीन प्रणाम, जय सिया राम। लिए उठाई लाई उर रामा, जय सिया राम। हर्षे लक्षण देखी दो भ्राता, जय सिया राम। मिले प्रेम परिपूर्ण गाता, जय सिया राम। पूर्जन परिजन जाति जन, याचक मंत्री मीत। मिले यथा विधि सभी प्रभु, परम कृपालु वनीत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम। जय सिया राम करो कल्याण, जय जय राम। परम कृपालु और विनीत रामचंद्र जी नगर के कुटुंब के जाति के लोगों से तथा भिखारी मंत्री और मित्र सब से यथोचित रीति से मिले। राम ही देखी ब्रात जुड़ानी, जय सिया राम। प्रीति की रीति न जाती बुखानी, जय सिया राम। नृप समीप सोही सुतचारी, जय सिया राम। जनु जन धर्माधिक तनुधारी, जय सिया राम। राम जी को देखकर सब ब्रात शीतल हो गई। उनकी प्रीति की रीति का वर्णन नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसे शोभित हैं मानो धर्म अर्थ काम मोक्ष शरीर धारण किए हैं। सूतन समेत दर्श दशरथ कही देखी, जय सिया राम। मुदित नगर नर नारी विशेखी, जय सिया राम। सुमन वर्षी सुर हनहिं निशाना, जय सिया राम। नाक नटी नाचहि करि गाना, जय सिया राम। शतानंद अरु विप्र सचिव गण, जय सिया राम। मागध सूत विदुष बंदी जन, जय सिया राम। सहित ब्रात राउ सन्माना, जय सिया राम। आयसु मांग फिरे अगवाना, जय सिया राम। प्रथम ब्रात लगनते आई, जय सिया राम। ताते पुर प्रमोद अधिकाई, जय सिया राम। ब्रह्मानंद लोग सब लही, जय सिया राम। बढ़ई दिवस निशि विधिशन कही, जय सिया राम। राम सिय शोभा अवधि सुकृत अवध दौराज, जह तह पुरजन कहि अस मिल नर नारी समाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम। जय सिया राम करो कल्याण, जय जय राम। फिर शतानंद ब्राह्मण मंत्रीगण मागध सूत पंडित और बंदीजन आदि अगवानी करने वाले ब्रात के समेत राजा का सम्मान कर उनसे आज्ञा लेकर लौट चले। ब्रात लगन से पहले आ गई, इससे नगर में अत्यंत प्रमोद हो रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद पा रहे हैं और ब्रह्मा के आगे विनय करते हैं कि दिन रात बड़े हो जाएं। जहां तहां नगर के नर नारी इकट्ठे होकर कहते हैं कि रामचंद्र और सीता जी तो सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा सुकृतों की सीमा है। जनक सुकृत मूर्त वही दे ही, जय सिया राम। दशरथ सुकृत राम धरि दे ही, जय सिया राम। इन सम काहू न शिव आराधे, जय सिया राम। काहू न इन सम्मान फल साधे, जय सिया राम। इन सम को न भय जग माही, जय सिया राम। है नहीं कतहूँ अब होने नाही, जय सिया राम। हम सब सकल सुकृत की राशि, जय सिया राम। भय जग अजन्म जनकपुरवासी, जय सिया राम। जिन जान की राम छवि देखी, जय सिया राम। को सुकृतो हम सरिसु शेखी, जय सिया राम। उनी देखन रघुवीर विवाहु, जय सिया राम। लेत भली विधि लोचन लाहू, जय सिया राम। कहि परस्पर को किल बयनी, जय सिया राम। एही विवाह बड़ लाभ सुनैनी, जय सिया राम। बड़े भाग विधि बात बनाई, जय सिया राम। नयन अतिथि हो ही दो भाई, जय सिया राम। जनक के पुण्यों की मूर्ति तो सीता जी हैं और दशरथ के पुण्यों की देह राम जी धारण किए हैं। इनके तुल्य किसी ने शंकर का आराधन नहीं किया है और ना इनके तुल्य किसी को फल मिला है। इनके समान विश्व में ना तो कोई है और ना हुआ है और ना होगा। और हम सब पुण्यों की राशि हैं जो इस विश्व में पैदा होकर हमने जनकपुर में वास पाया है। जिन्होंने रामचंद्र जी और जनक जी की छवि देखी है, भला उनसे बढ़कर कौन धर्मात्मा है। और अब फिर रामचंद्र जी का विवाह देखेंगे और अच्छी प्रकार नेत्रों का आनंद लेंगे। कोकिल कैसे
कंठ वाली स्त्रियां बारंबार परस्पर कहती हैं कि हे सखियों, इस विवाह से बड़ा लाभ क्या है। बड़े भाग्य से ब्रह्मा ने बात बनाई है जो ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि होंगे, क्योंकि प्रेम वश राजा जनक बारंबार जानकी जी को बुलाएंगे, तब करोड़ों कामदेव के तुल्य शोभायमान दोनों भाई सीता जी को लेने को आया करेंगे। विविध भांति हो ही पहुनाई जय सिया राम, प्रिय न कही अस सासुर भाई जय सिया राम, तब तो वदन राम लक्षण ही निहारी जय सिया राम, हो ही सब पुर लोग सुखारी जय सिया राम, सखी जस राम लक्षण कर जोटा जय सिया राम, तैसे भूप संग दुई डोटा जय सिया राम, श्याम गोर सब अंग सुहाए जय सिया राम, ते तब कहीं देखी जे आगे जय सिया राम। उनकी अनेक प्रकार की मेहमानी हुआ करेगी, भला ऐसी ससुराल किसी को क्यों ना प्रिय होगी। तब राम लक्ष्मण को देखकर जनकपुर के सब लोग सुखी हुआ करेंगे। हे सखी, जैसे राम लक्ष्मण की जोड़ी है, ऐसे ही दो बालक राजा के संग और भी हैं। वे भी सांवले और वर्ण रंग के हैं, सर्वांग सुंदर हैं। जो देख आए हैं वो सब ऐसा कहते हैं, कहा एक में आज निहारे जय सिया राम, जनु विनंती निज हाथ संवारे जय सिया राम, भरत राम एक ही अनुहारी जय सिया राम, सहसा लखी न सकहिं नर नारी जय सिया राम। एक ने कहा, मैंने आज ही देखे हैं, मानो ब्रह्मा ने उनको अपने हाथों से बनाया है। भरत और राम जी की तो ऐसी एक ही सूरत है, एकाएकी नर नारी उनको नहीं पहचान सकते। लसन शत्रुहन सूदन इक रूपा जय सिया राम, नख सिखते सब अंग अनुपा जय सिया राम, मन भाव ही मुख वर्णी न जाई जय सिया राम, उपमा कह त्रिभुवन कोई नाही जय सिया राम। लक्ष्मण और शत्रुघ्न का एक सा रूप है, उनके नख और सिख तक सब अंग सुंदर हैं, वे मन को भाते हैं पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता, और उपमा के लिए तो त्रिलोकी में कोई भी नहीं है। उपमाना को कहे दास तुलसी कतहु कवि, कोविद कहे बलमिन विद्याशील शोभा सिंधु इन समय अह, पुर नर नारी सकल पसारी अंचल विद ही वचन सुना वही, ब्याह सुचारी भाई यही पुर हम सुमंगल गा वही, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, करो कल्याण जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सब जब इनके देने को कोई उपमा नहीं है तो कवि और पंडित लोग कहाँ से दे सकते हैं। ये बल विनय विद्या शीतलता और शोभा के समुद्र हैं। नगर की संपूर्ण स्त्रियां आंचल पसार कर ब्रह्मा से यह मांगती हैं कि इन चारों भाइयों को का ब्याह इसी जनकपुर में ही हो और हम अच्छे अच्छे मंगल गीत गाएं। कहीं परस्पर नारी वारे विलोचन पुलकतन, सखी सब करव पुरारी पुण्य प्यो निधि भूप दो, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, करो कल्याण जय जय राम। स्त्रियां नेत्रों में जल भर पुलकित हो परस्पर कहती हैं कि हे सखी, शिव जी हमारी सब कामना पूर्ण करेंगे, क्योंकि यह दोनों राजा पुण्य के सागर हैं। एह विधि सकल मनोरथ कर ही जय सिया राम, आनंद उमंगी उमंगी उर्भर ही जय सिया राम, जैन रिपसिये स्वयंबर आए जय सिया राम, देखी बंधु सब तीन सुख पाए जय सिया राम, कहत राम ये सभी सद विशाला जय सिया राम, निज निज भवन गए महिपाला जय सिया राम, गए बीत कछु दिन एह भांति जय सिया राम, प्रमुदित पुर जन सकल बराती जय सिया राम, मंगल मूल लगन दिन आवा जय सिया राम, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा जय सिया राम, गृतिथि नखत योग वरवारु जय सिया राम, लगन शोधी विधि कीन विचारु जय सिया राम।
इस प्रकार सब इच्छा करती हैं और उमंग कर हृदय में आनंद भरती हैं। जो राजा स्वयंवर में आए हैं थे उनको चारों भाइयों को देखकर अति आनंद आया और राम जी के उज्ज्वल और विशाल यश का वर्णन करते हुए सब राजा अपने अपने घर को गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। सब पुरवासी और बराती आनंद में मगन हैं। सुंदर हेमंत ऋतु में अगहन के महीने में मंगलों का मूल लगन दिन आया है। ब्रह्मा ने ग्रह तिथि नक्षत्र योग और उत्तम बार में विचार कर लगन का शोधन किया है। पठई दीन नारद सन सोई जय सिया राम, गुणी जनक के गण कन्ह जोई जय सिया राम, सुनी सकल लोगन यह बाता जय सिया राम, कहें ज्योतिषी अपर विधाता जय सिया राम। फिर उसको नारद के द्वारा जनक के यहाँ भेजा। राजा के ज्योतिषियों ने यह लगन ठहराई थी। जब यह बात सब लोगों ने सुनी तो वे बोले ये ज्योतिषी ही दूसरे ब्रह्मा है। धेनु धूली बेला विमल सकल सुमंगल मूल, विपरन के हो विदेह सन जान समय अनुकूल, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, करो कल्याण जय जय राम। गोधूली लगन सबसे श्रेष्ठ और संपूर्ण मंगलों की मूल है, ऐसा जान ब्रह्मा ने जनक से कहा कि विवाह के लिए यह समय अनुकूल है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ जर बिहारी। आज यहीं विश्राम करते हैं। आगे की कथा का वर्णन अगली वीडियो में सुनाऊंगी। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप सब जो आपके घर में बीमार हों, लाचार हों, चल फिर ना सकते हों, उनको रामायण का पाठ सुनाएं और ताकि वो परेशानियों से और बीमारियों से मुक्ति पाएं, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी कर्ण करावणहार हैं, वो ही जगत की रचना करने वाले हैं। आपसे ये प्रार्थना है कि आप रामायण का पाठ उनको सुनाएं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ जर बिहारी। कर्पूर घोरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्र हारम, सदव संतम हरदारविंदे, भवम भवामि सहितम नमामि। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी विद्यानगम्यं। वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं, यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रुद्रमृतः स्तुवन्ति दिव्यस्तवैर्वेदैः साङ्गपदैकर्मोपनिषदैर्गायन्ति अङ्गसामगः। ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदुषरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। जय हो श्री राम भगवान्।